स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक की रीडिंग स्टार्ट की हुई थी। हमने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज एन एग्जीबिशन। उर्दू में मतलब है एक नुमाइश। आइए पढ़ते हैं। मिस्टर काजी वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास। मिस्टर काजी अपनी क्लास के सामने खड़े थे। मिस्टर काजी आस्क्ड, मिस्टर काजी ने पूछा, डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे, क्या आप लोगों ने कल की नुमाइश से लुत्फ लिया। ऑल हैंड्स वेंट अप टू से यस, तमाम हाथ जी हाँ कहने के लिए ऊपर हो गए। गुड, बहुत अच्छे, सेड मिस्टर काजी। मिस्टर काजी ने कहा, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन। अकबर, अकबर तुम्हें नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। अकबर स्टूड अप एंड सेड, अकबर खड़ा हो गया और कहने लगा, आई लाइक्ड पेंटिंग द बेस्ट सर, जनाब मुझे सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स पसंद आई। दे लुक्ड सो ब्यूटिफुल, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। वाई डिड यू लाइक द पेंटिंग्स अकबर, अकबर तुम्हें पेंटिंग्स क्यों पसंद आई। पेंटिंग इज़ माई हॉबी एंड आई हैव गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग ऑफ माई ऑन। पेंटिंग मेरा मशगला है सर, और मेरे पास पेंटिंग्स का बहुत बड़ा ज़खीरा मौजूद है। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट, रिजवान नेक्स्ट खड़ा हो गया, आई लाइक द रॉक्स बेस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा चट्टानें पसंद आई। यू सी आप जानते हैं, आई कलेक्ट रॉक्स टू, मैं जमा करता रहा हूँ चट्टानें। आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड, ऐसा मैं अपने बचपन से करता आ रहा हूँ। इट्स माई हॉबी, ये मेरा मशगला है। बट द रॉक्स देयर आई हैड नेवर सीन बिफोर, लेकिन वहाँ पर मौजूद पत्थर मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। मिस्टर काजी अप्रिशिएटेड रिजवान रेस्पॉन्स, मिस्टर काजी ने रिजवान के जवाब को सराहा। द रीज़न इज़ दैट इज़ द रॉक्स इन द एग्जीबिशन हैड कम फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वजह यह है कि नुमाइश के अंदर जो पत्थर लाए गए थे वो पूरी दुनिया से लाए गए थे। एंड द रॉक्स दैट यू हैव इन योर कलेक्शन वर प्रोबेबली फाउंड नियर योर ओन हाउस, और वो पत्थर जो तुम्हारे पास ज़खीरे में मौजूद हैं शायद तो तुम्हें अपने घर के आस पास से मिले हों। एवरीबॉडी इन द क्लास सेड वन थिंग और द अदर, क्लास में मौजूद हर शख्स ने एक बात बताई या दूसरी। बट वन बॉय सैट मम, लेकिन एक बच्चा बिल्कुल चुप बैठा रहा। ऑल द टाइम, सारे वक्त में, ही हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड ऑल हिज वाइल, इस तमाम वक्त में उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। व्हाट्स रॉन्ग विद यू टुडे सलीम, सलीम तुम्हारे साथ आज क्या मसला है, सैड मिस्टर काजी। मिस्टर काजी ने कहा टू दिस बॉय, उस लड़के से, You have not spoken today, आज तुम बिल्कुल बोले नहीं। Did not you like anything in the exhibition, क्या तुम्हें नुमाइश में कुछ भी पसंद नहीं आया। Slim said, Slim ने कहा, Sir, I have been collecting stamps for quite some time, जनाब मैं कुछ अरसे से टिकटें जमा करता रहा हूँ। No, I didn't see stamps in the exhibition, लेकिन मुझे यहाँ टिकट्स नज़र नहीं आए नुमाइश में। Mr. Kazi said, Mr. Kazi ने कहा, Yes, you are right, तुम ठीक कह रहे हो, there was no stall of stamps there, वहाँ पर tickets का कोई stall नहीं था। It is a very popular hobby, ये एक बहुत ही मकबूल मशगला है। Mr. Kazi said, Mr. Kazi ने कहा, I have a surprise for all of you, मेरे पास आप तमाम के लिए एक हैरान कन खबर है। Everybody looked anxious, हर बंदा बेचैन नज़र आने लगा। Let's have an exhibition at school, आइए स्कूल के अंदर एक नुमाइश मुनक्किद करते हैं। एंड लेट एवरीबॉडी ब्रिंग हिज ऑन कलेक्शन, और हर बंदा अपना अपना ज़खीरा नुमाइश में लाए।